नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम श्रीमद् भगवद गीता के एक महत्वपूर्ण अध्याय अध्याय 5 कर्मयोग के बारे में बात करेंगे। इस अध्याय में 29 श्लोक है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हमें कर्म और योग के बीच के संबंध को समझाते हैं। इस ज्ञान में छिपा है जीवन की सबसे बड़ी पहेली का उत्तर। क्या हम बिना किसी फल की चिंता किए अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं? आज हम जानेंगे कि कैसे श्री कृष्ण हमें कर्मयोग की राह दिखाते हैं, जहाँ न केवल कर्तव्य का पालन आवश्यक है बल्कि मन की शांति और आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी है। तो आइए इस दिव्य ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं और समझते हैं कि कर्मयोग हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। अर्जुन उवाच, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संशयसि, यच्छ्रे एत योरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। हे कृष्ण, आप मुझे संन्यास यानी कि त्याग को त्याग की बात भी कहते हैं और फिर कर्मयोग यानी कर्तव्य पालन की भी प्रशंसा करते हैं। कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बताइए कि इन दोनों में से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, ताकि मैं सही मार्ग का चयन कर सकूँ। अर्थात अर्जुन यह जानना चाहते हैं कि संन्यास और कर्मयोग में से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए कृष्ण से मार्गदर्शन मांगते हैं, ताकि वे अपने जीवन में सही निर्णय ले सकें। इस श्लोक की सीख यह है कि जब हम जीवन में कठिन निर्णयों का सामना करते हैं, तो सही मार्गदर्शन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। अर्थात किसी भी भ्रम की स्थिति में मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। श्री भगवान उवाच, संन्यास कर्म योगाश्च निश्रेयश्च करावहो, तयोस्तु कर्मा संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संन्यास यानी त्याग और कर्मयोग यानी कि निस्वार्थ कर्म दोनों ही मोक्ष दिलाने वाले हैं, लेकिन इनमें से कर्मयोग संन्यास से श्रेष्ठ है। अर्थात जीवन में अपने कर्तव्यों से भागना यानी संन्यास लेना आवश्यक नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए बिना किसी फल की चिंता किए निस्वार्थ रूप से कर्म करना आवश्यक है। इस श्लोक का संदेश योग और कर्म के बीच संघर्ष करने की बजाय अपने कार्यों को ज्ञान और निस्वार्थता के साथ करना ही श्रेष्ठ है। ज्ञेह च नित्यस्नवान्यासी योन द्रवेष्टि न काकंक्षति, निर्दवंदु ही महाभाव सुखम बंधात् प्रुच्यते। जो व्यक्ति न द्वेष करता है और न ही किसी वस्तु की इच्छा करता है, उसे सच्चा और नित्य सन्यासी जानो। हे महाबाहु अर्जुन, वह व्यक्ति जो सभी द्वंद्वों या विपरीत भावनाओं से मुक्त है, वह निश्चित रूप से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। अर्थात केवल बाहरी तौर पर कर्मों का त्याग करना ही सन्यास नहीं है। असली सन्यास वह है जहाँ व्यक्ति भीतर से न किसी के प्रति द्वेष रखता है, न किसी वस्तु या फल की इच्छा करता है। ऐसे व्यक्ति को नित्य सन्यासी कहा जाता है। जब व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को द्वेष और इच्छाओं से मुक्त कर लेता है, तो वह सांसारिक बंधनों से भी मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जो द्वंद्वों से परे होता है, बंधन रहित और आत्मिक रूप से स्वतंत्र हो जाता है। इस श्लोक की सीख यह है, कर्म करते हुए भी यदि मन को द्वेष और इच्छा से मुक्त कर लिया जाए, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में बंधनों से मुक्त हो जाता है और सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकता है। सांख्य योग प्रतिकवाला प्रवदन्ति न पंडिता, एकम पयास्तित समयोग भयोर विन्दते फलम। अज्ञानी लोग सांख्य योग और कर्म योग को भिन्न मानते हैं, परंतु ज्ञानी लोग ऐसा नहीं मानते। जो व्यक्ति किसी एक मार्ग का सही तरीके से अनुसरण करता है, वह दोनों का फल प्राप्त करता है। इस श्लोक की सीख, ज्ञान और कर्म को अलग अलग देखने की बजाय हमें समझना चाहिए, दोनों ही मार्ग मुक्ति का ज्ञान के साधन हैं। हमारे साथ गीता ज्ञान की खोज में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।